एनसीसी 8 सीजी गर्ल बटालियन यूनिट का 7 दिवसीय कैंप भिलाई के कल्याण कॉलेज में संपन्न हुआ। इसमें कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के शारीरिक दक्षता से भरे ड्रिल कराए गए, साथ ही चरित्र निर्माण के लिए उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। 8 सीजी गर्ल्स बटालियन एनसीसी रायपुर के द्वारा भिलाई के कल्याण कॉलेज परिसर में 7 दिवसीय डे बोर्डिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के जरिए एनसीसी में होने वाली परीक्षाओं के लिए बी और सी कैटेगरी की लगभग 95 कैडेट्स ने इसमें भाग लिया एवं यहां दी जाने वाली जानकारियों एवं विभिन्न प्रकार के अन्य कौशलों से रूबरू हुए और उनकी बारीकियों को सीखकर खुद को आने वाली परीक्षा के लिए तैयार किया। इसमें मुख्य रूप से प्रतिदिन ड्रिल के माध्यम से अनुशासन एवं टीम की एकता को बनाए रखने का गुर सीखा। वहीं इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं के द्वारा दिए गए चरित्र निर्माण संबंधी वक्तव्यों को सुनकर उन्हें आत्मसात भी किया। इस कैंप के माध्यम से महिला कैडेट्स को एक बेहतर जीवन यापन करने में काफी मदद मिलेगी। रुको रुको रुको, आप मैडम मत छुओ। उस्ताद इस 7 दिवसीय कैंप को आयोजित करने के उद्देश्य को कैंप का संचालन करने वाले अधिकारियों ने मीडिया को बताया। साथ ही इस कैंप में बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर यहां सिखाए गए गुर को आत्मसात करने वाले कैडेट्स ने अपना बेहतर भविष्य बनने की बातें कही। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर के नागमणि, कल्याण पीजी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैं 8 सीजी गर्ल्स बटालियन रायपुर से पिछले 5 सालों से वहां पे मैं एज एएनओ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हूं। सर, जैसे बी और सी सर्टिफिकेट, यहां पे एनसीसी का जो कोर्स है वो 3 साल का होता है कॉलेज लेवल पे, जिसमें फर्स्ट ईयर में कोई एग्जामिनेशन तो नहीं होता है। सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम्स बच्चों को देने होते हैं और इन एग्जामिनेशंस के लिए एक एक कैंप करना जरूरी होता है। अभी पैंडमिक के चलते कैंप्स नहीं लग पाए हैं, जिस वजह से बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए 8 सीजी गर्ल्स बटालियन रायपुर के द्वारा एक डे स्टे कैंप, यहाँ डे ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 7 दिन का जो कैंप है इसमें एनसीसी को जो सिलेबस है जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट्स एंड कॉमन सब्जेक्ट्स दोनों को कवर करते हुए लेक्चर्स दिए गए, जिसमें बाहर से भी कुछ स्पीकर्स आए थे, जिसमें बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट मेजर गौरव कुमार सर आए थे, जिन्होंने बीएसएफ के वेरियस कैडर्स के बारे में उन्होंने बताया, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया, इंटरव्यू कंडक्शन और उसमें फिजिकल मेजर्स के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी। डॉक्टर आरपी अग्रवाल सर, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर, इन्होंने सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पे अपनी बात रखी थी। डॉक्टर संतोष जैन मैडम, जो कि कल्याण कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम हैं और एक्स एनसीसी ऑफिसर रह चुकी हैं, उन्होंने कैडेट्स को एनसीसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानकारी दी थी। इसमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के तौर पर ड्रिल उनको सिखाया गया था और वेपन ट्रेनिंग फायरिंग उनको सिखाया गया था। सर, एक तो एनसीसी का जो मेन मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो यहाँ जब कैंप में हम एक साथ सब एक साथ होते हैं तो यूनिटी सीखने को मिलता है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन हमको मिलता है और जब एक साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से करने को वो सीखते हैं। जैसे डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं, एक सीनियर के अंडर में रहकर उनको काम करना सीखना होता है उनको, तो ये कैंप में ही संभव हो पाता है। CATC camp, Combined Annual Training Camp, was started on 7th February 2022 and ended on 13th February 2022. These 7 days were golden days for us as we learned many things in these 7 days. We learned unity, how to combine, how to stay combinedly. We learned many things as we did firing and we were taught all the positions of firing. That was sitting, lying, kneeling and standing positions. We were given the food very hygienic and during this pandemic, the camp conduction was very tough, but our PA staff, ENO ma'am, made it very simple by coordinating
and we were given the classes of personality development so that we can develop our personality very well. And many special guests came and they taught us, they gave us moral stories so that we learned many things from that. And also commanding officer Major Gaurav Kumar sir, he came and he told us all the criteria of joining the forces and many more things. So this is the, so today is the last day of our camp and we are completing this camp by learning many things which are really going to help us in our future and our day-to-day life. Thank you. Jai Hind, mera naam SEO Yamuna Sahu hai. Main Kalyan College mein apne college ki senior hoon. Hamara camp 7 tarikh se lega 13 tarikh tak laga. Hame bahut khushi hui ki is corona kaal ke chalte bhi hamara camp laga aur hum sab milke alag alag log alag alag jagah se milke yahan pe camp kiye. Hame khane peene ka bhi yahan suvidha diya gaya. Hum firing ke liye bhi gaye. Firing mein bhi hum logon ne पहली बार फायरिंग किया था. पहले इससे पहले कभी फायरिंग किए नहीं थे. हमें पहली बार मिला तो हम लोग को इस कैंप में बहुत खुशी मिली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला. और हमारे लाइफ में ये कि हमें टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप का गुण मिलता है क्योंकि हम 84 कैडेट्स को संभालना एक सीनियर से कर सकते हैं तो वो सब गुण हमें मिला. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस कैंप को केवल दिन में ही आयोजित किया गया. इस कैंप में दुर्ग जिले की महिला कैडेट शामिल हुई. इसके पूर्व भी ऐसे कैंप के माध्यम से एनसीसी से जुड़े ऐसे महिला कैडेटों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए प्रयास किया जाता रहा है और यह कैंप इन सभी के लिए एक अच्छा माध्यम भी साबित होता आया है. ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट.